Hello everyone, I'm nutritionist Azra Khan and in today's video I'm going to share with you a very raved about topic intermittent fasting. आज हम intermittent fasting के बारे में बात करेंगे, क्या होता है intermittent fasting, किसको करना चाहिए, किसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां लोग करते हैं while doing intermittent fasting जिसकी वजह से उनका weight loss नहीं होता है और मेरा personal experience. So अगर आप भी intermittent fasting के बारे में constantly पढ़ते रहते हैं and you don't know what to do, how to start, कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है. इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं पर ये एक रिफ्रेश वर्जन होने वाला है, सो कीप ऑन वॉचिंग. पिछले 3-4 सालों में इंटरमिटेंट फास्टिंग ने अलग ही धूम मचा रखी है. वो होता है ना, एक फेज आता है किसी भी चीज का. बहुत साल पहले जब मैं न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त जीएम डाइट का फेज था एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट ड्यू टू द जीएम डाइट. बाद में पता चला हम लोगों की कितना बुरा डाइट था वो, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट होते हैं उसके, साइंटिफिकली कोई बैकिंग नहीं थी उस तरह की डाइट. बट ऑन द अदर हैंड इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स. बहुत सारे एथलीट्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और हमारे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट उसको रिकमेंड करते टू सम पीपल एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ रेज. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स इंटरवल्स पे खाना, कुछ इंटरवल्स पे फास्ट करना, एज सिंपल एज दैट. सो एक 24 घंटे का आपका जो विंडो होता है उसमें सेट असाइड सम विंडो फॉर ईटिंग फूड एंड द रेस्ट इज गोइंग टू बी योर फास्टिंग फेज, जहां पे आप कुछ भी नहीं खाएंगे ताकि आपका ब्लड शुगर स्पाइक अप ना करे. बहुत सिंपल भाषा में यही है इंटरमिटेंट फास्टिंग. नाउ बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं पर फिर भी उनको वेट लॉस रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वेट लॉस की ही वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो किया जाता है. नंबर वन रीजन ये है कि आप वेट लॉस के लिए कोई भी डाइट चाहे उठा ले, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना ही पड़ेगा. ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू तो कर देते हैं बट दे डोंट कैलकुलेट हाउ मच दे आर ईटिंग. एक्साइटमेंट में जरूरत से ज्यादा खाके वेट लॉस के बजाय वेट गेन होने लगता है उनको. आपको ये गलती नहीं करनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, किसके लिए है इंटरमिटेंट फास्टिंग और किसके लिए नहीं. हम शुरू करते हैं किसके लिए नहीं है से. प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, अगर आप 18 ईयर्स से छोटे हैं या फिर अगर आपको कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है जैसे कि किडनी इश्यूज, टाइप 1 डायबिटीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर यू. इवन व्हेन यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, आपका अगर इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर यू. अगर आप प्री डायबिटिक है या बॉर्डरलाइन डायबिटीज है आपको, टाइप 2 डायबिटीज, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोच सकते हैं डेफिनेटली अंडर अ सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर. किसके लिए है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन कैटेगरीज के अलावा आप सबके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है. एक कैटेगरी मैं भूल गई, आई एम सॉरी, इफ यू आर अबव द एज ऑफ 60 आई वोंट रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग टू यू. नाउ इन द वेस्ट अगर आप देखें बहुत सारे लोग जो 60-70 प्लस भी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करके एब्स भी उनके आ रहे हैं, बट अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें यानी कि मैं अगर आपको एडवाइस करना चाहूँ तो मैं वो एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं करूँगी. रही बात मेरी एक्सपीरियंस की, मैं पिछले 5 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ. आई फॉलो अ फीडिंग विंडो ऑफ 9 आवर्स एंड 15 आवर्स तक ऑलमोस्ट मैं फास्ट करती हूँ, कभी कभी 14 आवर्स तक भी मैं फास्ट करती हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग है किसके लिए, इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, इफ यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स पर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आप वेट लॉस प्लेटू हिट कर चुके हैं, अगर आपको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली फूड बग नहीं करता है और आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल आप फॉलो लॉन्ग रन के लिए कर सकते हैं, अगर आपको PCOD है, प्री डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करता है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली कर सकते हैं. इफ यू आर एक्टिवली सीकिंग टू गेट प्रेगनेंट यू शुड अवॉइड इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा elaborate nutrition plan आपको follow करना पड़ेगा उस वक्त, so that is also something that you have to follow. So summarize करें तो कौन intermittent fasting follow कर सकता है, कोई chronic health issues नहीं है, pregnant या lactating नहीं है, आप conceive करने की try नहीं कर रहे हैं, अगर आपको type 2 diabetes है जिसमें आप insulin injections लेते हैं, आपके लिए intermittent fasting नहीं है, PCOD, pre-diabetic, hormonal imbalances like thyroid या gut health issues, आप intermittent fasting follow कर सकते हैं, but आपको diet का ध्यान रखना है कि उसमें आप follow क्या करते हैं. intermittent fasting भी 3 तरीके की होती है, 20:4 की होती है, 5:3 की होती है and 16:8 की होती है. मैं अगर intermittent fasting किसी भी मेरे client से करवाती हूँ, वो भी मेरे सारे clients intermittent fasting follow नहीं करते हैं. Some people who want to try it and they are healthy enough to try it, only then I recommend them to follow it. Okay? So, like I said, it is not for everybody. So, intermittent fasting में मैं इन तीनों ही categories को follow नहीं करती हूँ. I follow 14-10 या 15-9 का ratio. Most of my clientele is female.
एंड फीमेल्स में कॉर्टिसोल हार्मोन जनरली भी थोड़ा हाई होता है। जब आप एक एक्सटेंडेड आवर फास्टिंग करते हैं, जैसे 20 आवर्स की, 18 आवर्स की, कभी कभी लोग 24 आवर्स के लिए फास्ट करते हैं, इट इंक्रीजेस अ लॉट ऑफ कॉर्टिसोल इन योर बॉडी व्हिच ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। एंड वी आर नॉट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, राइट? सो इफ यू आर अ वुमन, ट्राई टू फॉलो माय रेशियो व्हिच इज 15:9 या 14:10, इट वर्क्स गुड फॉर मी, it has worked good for my client, it can work well for you as well. agar aap male ho, aadmi ho, aap 16:8 ka ratio aram se follow kar sakte, you don't have to worry about that. now ab baat karte hain intermittent fasting mein hum kaise kya kha sakte hain, kya nahi kha sakte. so everything in the sun you can eat while you have your feeding window open, but agar aap fat loss ka goal hai aapka, to high protein, मीडियम कार्ब या लो कार्ब एंड मीडियम फैट डाइट आपको फॉलो करना चाहिए विद अ हाई फाइबर डाइट, अदरवाइज आपको बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा. कुछ भी नहीं खाना है जस्ट बिकॉज फीडिंग विंडो है, और अपनी डाइट को हेल्दी रखें. आपको शुगर ज्यादा नहीं लेनी है, ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं, एंड यू विल लूज वेट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प मी विद गेटिंग रिड ऑफ माई वेट लॉस प्लेटू, सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव been stuck on a number since very long, but try kar rahe par weight loss nahi ho raha hai. ab baat karte hain fasting window mein hum kya kar sakte hain. so fasting window mein agar aap intermittent fasting follow karte hain, to aap green tea, black coffee, koi bhi detox drinks jo aajkal available hai market mein, aise to I don't promote them, but agar aap le rahe hain to wo le sakte hain. main coconut water bhi allow karti hu, but agar aap strictly by the rule jayenge to coconut water allowed nahi hai. so anything below 20 calories you can have while you are fasting in the fasting state. with this I summarize the intermittent fasting under 7-minute video hai ye. I'm very proud of how it has been summarized. agar aapko finally decide karne mein is video ne help kiya ki aap intermittent fasting kare ya nahi, to give it a big fat thumbs up. subscribe to my channel before you leave. intermittent fasting se related koi questions hai to comments mein puche, I will reply. I am signing off now. I'll see you guys very very soon in my next video. until then stay fit, stay happy, stay healthy. bye.